23 जून को निवाली में ब्यूटी पार्लर संचालिका का उसी के घर में दुपट्टे से फांसी पर लटकता हुआ शव मिला था। निवाली पुलिस ने मृतक के मोबाइल को बरामद कर उसके आधार पर तहकीकात की। इस पर धार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एजाज खान नामक युवक द्वारा महिला को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। निवाली पुलिस ने बताया कि मृतका ब्यूटी पार्लर संचालिका कोमल राठौर ने अपने गुमडिया रोड स्थित किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतका के मोबाइल डिटेल के आधार व अन्य बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। इसमें पता चला कि एजाज खान नामक युवक ब्यूटी पार्लर संचालिका को प्रताड़ित कर रहा था। दिनांक 23/6/2020 को मृतका कोमल भाई ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के ऊपर उसके मोबाइल जब्त किए गए थे। मोबाइल के आधार पर एजाज नाम के व्यक्ति ने उसको प्रताड़ित किया था और अन्य साक्षियों द्वारा उसको बताया गया था कि उसके रिलेशनशिप में थी और उससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या की थी, जिस पर से एजाज खान को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। सर, किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, मतलब क्या? उसके रिलेशनशिप में थी, वो उसको धार बुलाना चाहता था, धार में नौकरी करता था और उसके लड़की भी है, तो उनके मालूम पड़ने पे वो उसको प्रताड़ित करने के आधार पर। पुलिस की जांच में पता चला कि एजाज खान मृतका को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था और अपने साथ बाहर जाने के लिए दबाव बना रहा था। इसी से परेशान होकर पार्लर संचालिका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार को आरोपी एजाज खान को गिरफ्तार कर खेतिया न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज, बड़वानी।